तो हे गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि आप अपना नेम ऐड कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने मेरे वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही बिल्कुल नेम ऐड आप लोग कैसे बना सकते हो, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहना वीडियो में एंड तक, एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर टैप कर देना है। यहाँ पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा अर्बन जंगल फाउंड करके। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो अर्बन जंगल फाउंड करके आपको यहाँ पर सर्च कर देना पड़ेगा। तो अर्बन जंगल फाउंड करके जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले वाला लिंक पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को जूम करके अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर डाउनलोड के यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर बैक होकर के यहाँ पर आ जाइए। आने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर और एक बार सर्च करना पड़ेगा, जंगल पिक करके आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो जंगल पिक करके यहाँ पर सर्च कर दीजिए। तो जंगल पिक करके सर्च जैसे ही करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक इमेज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इमेज पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा इमेज आ जाएगा जंगल का। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी इमेज पसंद है आप पसंद करके उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल से आपको डाउनलोड करने के लिए आप जिस पिक को डाउनलोड करना चाहते हो उस पिक के ऊपर होल्ड प्रेस करके रखेंगे और आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और आपको यहाँ पर डाउनलोड इमेज के यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल से बैक आ जाना है। तो सिंपल से बैक आने के बाद आपका अपना फ़ोन का फाइल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला फाइल आपको ओपन करना पड़ेगा अपना फ़ोन का। तो फाइल को ओपन कर लीजिए। तो फाइल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इंटरनल स्टोरेज पर। तो इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये वाला एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अर्बन जंगल पिक। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर डन के यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा। तो सिंपल से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपल से बैक आ जाइए। तो बैक आने के बाद अपना फ़ोन का पिक्सेल लैब एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर दीजिए। तो पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इस टेक्स्ट को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया डिलीट। और आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो थ्री डॉट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज़ पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इमेज साइज़ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल साइज़ के यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया आपका फ़ोटो का साइज़। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज के यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने आपका फ़ोन का जितना भी फाइल है यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड वाला फाइल को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको आपने जिस पिक को आपने डाउनलोड किया है उस पिक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो उस पिक को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको सिंपल से इस राइट वाला चिन्ह पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इसको बड़ा कर लेना है। ठीक है, इस पिक को आपको बड़ा कर लेना है। तो इसको हम बड़ा करके लगा लेते हैं। तो इसको बड़ा करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको लगा लेना है। ठीक है, इसको लगाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इसको लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो इसको लॉक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ए वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो
तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टैक्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना नेम लिख देना है, ठीक है। तो अपना नेम लिख दीजिए, नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको सिंपल से इधर आना पड़ेगा। आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साइज़ का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइज़ का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस नेम को आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से इसको बड़ा कर लेना है। तो बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर राइट के यहाँ पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आपका नेम का साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। तो आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा आपको। आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा फाउंड्स का, यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा फाउंड्स का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर माई फाउंड्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, मतलब कि इस साइट का फाइल को आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फाइल मिल जाएगा डाउनलोड का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और एक बार आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको सिंपल सा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो नेम का डिज़ाइन है एकदम से तैयार हो गया है, पर देख सकते हो। तो आपका नेम का डिज़ाइन तैयार होने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है अपने गैलरी पर। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एस इमेज पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और PNG पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और नीचे की साइड पर वहाँ पर क्लिक करके अल्ट्रा कर दीजिए। अल्ट्रा करने के बाद आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका इमेज एकदम से सेव हो जाएगा, आपका नेम डिज़ाइनिंग इमेज सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना नेम डिज़ाइनिंग इमेज बना सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको कुछ सीखने मिला। तो वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।